अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं अपना या फिर अपने बच्चों का, अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसा सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप घर बैठे नए आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आगे चलकर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आधार कार्ड आजकल एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप ऐसे कई सारे ऐसे काम्स हैं जो आप बिना आधार कार्ड के नहीं कर सकते हो। तो आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अपना एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप अपना या फिर अपने बच्चों का या फिर किसी का भी अगर आधार कार्ड बनवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना है जिसमें आप वोटर आईडी लगा सकते हो। अगर आप छोटे बच्चों का बनवाना चाहते हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है और आप जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनाए हो तो उसका जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो कि जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और आप छोटे बच्चों के लिए आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों का आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसको मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूं कि आप उसमें जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट हुई वो आप उसमें लगा सकते हो जिससे आपको आधार कार्ड बनवाने में आसानी हो। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर ऊपर आपको इंडियन रेसिडेंट आपको सेलेक्ट रहने देना है, साथ ही नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको आप जो भी मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक करना चाहते हो वह मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। नीचे आपको कैप्चा कोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चा कोड यहाँ पे सही समझ में नहीं आता है तो ट्राई अनोदर पे क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा भी यहाँ पर ले सकते हो जो कि आपके समझ में आता हो। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आपको जो सेंड ओटीपी वाला जो बटन दिख रहा है, इस सेंड ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपने जो मोबाइल नंबर लगाया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। आप यहां पे देख सकते हो यहां पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहां पे आपको जो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है वो दिख रहा है न्यू एनरोलमेंट का, और साथ ही जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन मिल रहा है वह है अपडेट आधार का। तो आपको न्यू एनरोलमेंट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस न्यू एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा फॉरम ओपन हो जाता है जिसमें आपको यहाँ पे आपका जो भी नेम, आप जिसका भी आधार कार्ड बनवाना चाहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसका नाम डालने के बाद नीचे आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वह डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप उसका जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप में आपको इंडियन रेसिडेंट सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाला जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें आपको आई हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप उस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट का
का एक वापस से फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस आप यहाँ पे लगाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आप जन्म आधार कार्ड बनवा रहे हो उसमें जो भी उसके पिताजी का नाम है वह नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्डिंग नंबर आपको भर देना है। उसके बाद जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वह पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका लैंडलाइन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका स्थान है यहाँ पे स्ट्रीट रोल एंड डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी एरिया है वह एरिया आपको यहाँ पे डाल देना है। एरिया डालने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ से आपकी जो भी सिटी है वो आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने शुरू में फिल किया था वह ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहो तो इसे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप आगे आते हो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो। अगर आप ईमेल आईडी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद सारी डिटेल सही फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड प्रोसीड का। आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका, जो भी आपने आधार कार्ड में डिटेल भरी है उसकी आपके सामने एक प्रीव्यू पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपसे सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे जो एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें एडिट करके एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने जो जानकारी यहाँ पे फिल की है वो एकदम सही है तो आपको नीचे आना है, चेक बॉक्स यहाँ पे कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट आईडी दी गई है, इसको आपको नोट कर लेनी है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। उसके लिए आपको बुक अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका विलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है और गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे जो भी आपके नज़दीक में आधार सेवा केंद्र हैं वो उस केंद्र आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिस उनकी जो भी लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे नो डाटा फाउंड बता रहा है, मतलब हमारे नज़दीक में अभी तक कोई आधार का जो सेंटर है वो मौजूद नहीं है। अगर आपके नज़दीक में कोई आधार सेवा केंद्र होगा तो उसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है और आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उस अपॉइंटमेंट की डेट में आपको जो भी आपने अपॉइंटमेंट सेंटर बुक किया है उस सेंटर पर जाना है और आपको जो भी आपकी अपॉइंटमेंट आईडी आपको मिली थी वह अपॉइंटमेंट आईडी आपको वहाँ पे दिखा देनी है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आपसे अपॉइंटमेंट आईडी लेंगे और जाते ही आपको आपने जो आधार कार्ड बनवाया है वो बनाकर उसकी स्लिप आपको दे देंगे। तो दोस्तों यह एक तरीका था कि घर बैठे आप नया आधार कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हो।